सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ा ट्वीट करने के मामले में गिरफ्तार पत्रकार प्रशांत कनौजिया को तुरंत जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि वो कनौजिया के ट्वीट का समर्थन नहीं करता है। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में मंगलवार सुबह अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। राजधानी दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव के कई इलाकों में तेज हवाएं चल रही हैं, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। देहरादून में सोमवार को गर्मी ने पिछले 3 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सोमवार को राजधानी में अधिकतम तापमान 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले साल 2015 में पारा 40 डिग्री तक पहुंचा था, तब अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री दर्ज किया गया था। हल्द्वानी का तापमान भी 40 डिग्री के आसपास है। गर्म हवाएं चलने से सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ, वहीं आने वाले दिनों में गर्मी से निजात मिलती नजर नहीं आ रही है। मुलायम सिंह यादव की आज जांच रिपोर्ट आएगी, फिर तबीयत खराब होने पर सोमवार रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक जारी है, प्रदेश की कानून व्यवस्था पर चर्चा जारी। कैबिनेट बैठक में औद्योगिक नीति पेश कर सकती है सरकार। आज प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली के 2 दिन के दौरे पर रायबरेली जाएंगी। 12 जून को पूर्वी यूपी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट की तैयारियां तेज हो गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 जुलाई को पेश करेंगे बजट। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एग्रीकल्चर, रूरल सेक्टर और ट्रेड इंडस्ट्रीज के लोगों से मुलाकात करेंगे। बजट में किसान रोजगार को लेकर खास फैसले लिए जा सकते हैं। G7 देशों के 45वें सम्मेलन में विशेष आमंत्रित अतिथि के तौर पर शामिल होंगे पीएम मोदी। फ्रांस के राष्ट्रपति ने दिया था खास न्योता, 24 से 26 अगस्त तक फ्रांस के बियारित्ज में होगा आयोजन। पाकिस्तान के ऊपर से किर्गिस्तान में SCO के सम्मेलन में जाएंगे पीएम मोदी। इमरान ने दी अपने हवाई क्षेत्र में उड़ान भरने की मंजूरी। बिश्केक में भी 13 और 14 जून को लेंगे पीएम मोदी हिस्सा। पीएम मोदी ने सचिवों से कहा कि गरीबी हटाने और पानी पर ध्यान देने की जरूरत है। भारत का लक्ष्य $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का है और इसी दिशा में काम हो भी रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के वरिष्ठ सचिवों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने सचिवों से कहा कि लोगों के जीवन स्तर को आसान बनाने को अपनी पहली प्राथमिकताएं बनाएं। पीएम ने कहा कि सभी मंत्रालयों के लिए अगले 5 साल का लक्ष्य तैयार करें, सचिव उस लक्ष्य के किए जाने वाले फैसलों का खाका तैयार करें। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रेप जैसी घटनाओं को गंभीरता से लेने का आदेश दिया है। अलीगढ़, कुशीनगर, हमीरपुर, कानपुर और मेरठ में बलात्कार की घटनाओं पर की समीक्षा बैठक। अलीगढ़ के टप्पल में बच्ची की हत्या को लेकर 10 दिन बाद भी तनाव। सोमवार को ठप रही इंटरनेट सेवा। ADG लॉ एंड ऑर्डर समेत कई बड़े अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ गांव में तैनात। खैर इलाके में 5 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद। अलीगढ़ से खास समुदाय के लोगों के घर छोड़कर जाने को पुलिस ने किया खारिज। कुछ लोगों के बाहर जाने को लेकर अफवाह उड़ाने का आरोप। कठुआ रेप और मर्डर केस में सजा का ऐलान। 3 दोषियों को उम्र कैद। सबूत नष्ट करने के लिए 3 पुलिस वालों को 5-5 साल की सजा। ममता बनर्जी ने उठाया लोकतंत्र के 4वें स्तंभ पर सवाल। कहा नेशनल चैनल गलत खबर चलाते हैं, 2 लोग मारे जाते हैं तो बीजेपी बताती है 5 मारे गए। ममता ने नीति आयोग पर भी उठाया सवाल। कहा प्लानिंग कमीशन था, इससे बेहतर चुनाव आयोग पर भी चुनाव पक्षपात कराने का लगाया आरोप। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के अयोध्या दौरे की तारीख तय। 16 जून को अपने सभी सांसदों के साथ भगवान रामलला के करेंगे दर्शन। आज संजय राउत ने अधिकारियों के साथ अयोध्या में बैठक की। शिवसेना ने कहा कि अयोध्या पर अब फैसले की घड़ी आ गई है, कोई भी राम मंदिर निर्माण को रोक नहीं सकता।
पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी फर्जी बैंक के अकाउंट के मामले में गिरफ्तार, इस्लामाबाद कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की 15 सदस्य टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बिलावल भुट्टो ने कार्यकर्ताओं से की शांति की अपील। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार आज पहली बार अपना पूर्ण बजट पेश करेगी। इमरान खान के आर्थिक सलाहकार डॉक्टर हाफिज शेख पेश करेंगे बजट। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, दो आतंकी ढेर, कई आतंकियों के छिपे होने की आशंका। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन, पाकिस्तान की फायरिंग में बीएसएफ का एक जवान शहीद, 3 घायल। सोमवार को पुंछ के कृष्णा घाटी में सेना ने आईईडी हमले को नाकाम कर दिया, सेना के काफिलों को नुकसान पहुंचाने की थी साजिश। पीओके में आतंकी कैंपों को बंद कराने के पाकिस्तानी दावों को भारत ने बताया धोखा और दिखावा, जनरल बिपिन रावत ने कहा कैसे मान लें पाकिस्तान सच बोल रहा है। राहगीरों से अवैध वसूली करने के आरोप में पुलिस ने नोएडा से एक दरोगा और 3 सिपाहियों समेत कुल 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। यात्रा सीजन के दौरान उत्तराखंड परिवहन निगम के कर्मचारी वेतन, एसीपी, नई बसों की खरीद जैसी मांगों को लेकर आंदोलन की धमकी दे रहे हैं, जिसको लेकर विधानसभा में परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने बैठक बुलाई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई का दौर जारी है। सीएम योगी पर अभद्र टिप्पणी और फोटो पोस्ट करने वाले शख्स को फतेहपुर पुलिस ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया है। झांसी में मऊ रानीपुर थाना क्षेत्र के बड़ा गांव में एक बहू को उसके ससुराल वालों ने जमकर पीटा, मारपीट की वारदात भी सड़क पर देखने को मिली, जहां ननद ने भाभी को जमकर धुना। इतना ही नहीं, मारपीट की इस घटना में ससुर ने भी अपनी बेटी का साथ दिया। बागपत के थाना दोघट इलाके के बामनोली गांव में किसान ने चकबंदी के दौरान आत्मदाह का प्रयास करने की कोशिश की, हालांकि वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह उस पर काबू पाया और उसके बाद किसान को अस्पताल में भर्ती कराया। बरेली में ड्यूटी पर जा रही महिला होमगार्ड पर दबंगों ने बीच सड़क पर केरोसिन डालकर जिंदा चला दिया। महिला होमगार्ड को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि महिला होमगार्ड ने अपने ही भाई के दामाद पर जिंदा जलाने का आरोप लगाया। इस घटना के बाद पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने में जुट गई है। यूपी के हाथरस में पुलिस ने जलती चिता से उठकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि प्रेम कुमार नाम के शख्स का शव हत्या कर जलाया जा रहा है। खबर मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रेम कुमार के शव को चिता से उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सहारनपुर के सदर बाजार इलाके में एक वनचली को महिलाओं ने सरेआम बाजार में जमकर सबक सिखाया। 3 महिलाओं ने छेड़छाड़ करने पर पहले तो युवक की जमकर पिटाई की, उसके बाद बाजार में महिलाओं ने हंगामा भी किया। हाथरस के सादाबाद इलाके के गुधरा गांव में एक कार में अचानक आग लग गई। इससे पहले लोग कुछ समझ पाते कार धू धू कर जलने लगी। वही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। संभल पुलिस ने एनएसजी कमांडो के लापता बेटे को मुरादाबाद के सहसपुर रेलवे स्टेशन से बरामद कर लिया है। जानकारी के मुताबिक एनएसजी कमांडो का बेटा हर्षित अपनी मां के डैड से नाराज होकर घर से चला गया था। यूपी के हरदोई जिले में लोनार कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम असलापुर में आयोजित तिलक समारोह के दौरान लेनदेन के विवाद में शिक्षक की तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना से मौके पर दहशत फैल गई। मृतक के पुत्र ने 5 लाख रुपए के लेनदेन में 2 लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। अमरोहा में गंगा नदी में डूबने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 की हालत गंभीर है और 2 लोग अभी भी लापता हैं। चित्रकूट में शादी समारोह के दौरान नदी में नहाने गए 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने गंगा नदी से 3 के शव बरामद कर लिए हैं। चित्रकूट के रैनी भुसैली गांव की है घटना। गोंडा पुलिस ने 2007 में मर चुके शख्स के खिलाफ चार्जशीट फाइल की है। पुलिस ने कागजों में मृत का बयान भी दर्ज किया है। कोर्ट से समन जारी होने के बाद पुलिस की पोल खुली है।
अलीगढ़ केस में फॉरेंसिक एक्सपर्ट 6 दिन बाद भी मासूम से दुष्कर्म की पुष्टि नहीं कर पाए। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों को मासूम के शव से किडनी समेत कई अंग गायब मिले हैं। 2.5 साल की बच्ची की नृशंस हत्या के बाद पूरे प्रदेश में गुस्से का माहौल है। हिंदूवादी संगठन ने गाजीपुर में डीएम ऑफिस के बाहर आरोपियों का पुतला फूंका। प्रदेश में मासूमों के साथ हो रही दरिंदगी के खिलाफ शामली में हिंदू संगठन ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने गैंगरेप के आरोपियों को फांसी देने की मांग की। मेरठ की कपड़े की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां 12 मौके पर मौजूद रही। फैक्ट्री के आसपास के घर को खाली करवाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पीलीभीत के दियोरिया कोतवाली इलाके में एक शख्स की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिजनों ने मौत का कारण जहरीली शराब बताया। पुलिस ने भूख की वजह मौत के दावा किया। अमरोहा के गुलामपुर गांव में बिना अनुमति पंचायत बुलाने के मामले में नामजद 10 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। वहीं 200 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है जो अज्ञात है। ग्रेटर नोएडा में शाहबेरी के फ्लैट बायर्स सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन कर रहे बायर्स ने शाहबेरी में अवैध निर्माण तोड़े जाने का विरोध किया है। पीलीभीत के अमरिया थाना इलाके में अवैध खनन के दौरान पुलिस ने 2 जेसीबी और 260 ट्रैक्टर कब्जे में ले लिए। छापेमारी के दौरान खनन माफिया फरार। महाराजगंज में 15 दिनों से BSNL नेटवर्क ठप करने से लोगों में गुस्सा। उपभोक्ताओं ने BSNL ऑफिस पहुंचकर हंगामा किया। अमरोहा के हसनपुर थाना इलाके में युवक का शव फंदी से लटका मिला। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की आशंका। फरुखाबाद में इंसाफ की गुहार लगा रहे पीड़ित ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। पीड़िता की माने तो घायल हालत में पुलिस से मदद मांगी गई लेकिन पुलिस शिकायत तक दर्ज नहीं की। पीलीभीत पुलिस ने छापेमारी के दौरान एक इनामी समेत 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से सोने की ज्वेलरी, अवैध तमंचा बरामद। सहारनपुर के गंगो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दवा की पर्ची नहीं मिलने पर परिजनों ने हंगामा किया। अस्पताल के कर्मचारी पर मनमानी का आरोप लगाया। कुशीनगर से नाबालिग के साथ दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध की घटना सामने आई। जहां 6 लोगों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। नाबालिग के शरीर पर जख्म के निशान हैं। लखनऊ में नवनिर्मित विभूतिखंड थाने का DGP OP सिंह ने उद्घाटन किया। विभूतिखंड थाना प्रदेश का पहला हाईटेक थाना बन गया है। शामली के कैरानी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद फरार चल रहे 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से तमंचा और बाइक बरामद। मुजफ्फरनगर के रामपुरा कॉलोनी में बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी के घर धमकी भरा पत्र और कारतूस फेंका। आरोपी CCTV में कैद, पुलिस जांच में जुटी। जालौन में 8 साल के मासूम के साथ हुई दरिंदगी के बाद ग्रामीण सड़कों पर उतर आए। लोगों ने बाजार बंद करके आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। बागपत में सड़क हादसे में जख्मी हुए एक युवती दर्द से तड़पती रही और लोग मोबाइल से वीडियो बनाते रहे। वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। फतेहपुर के खागा कोतवाली इलाके में NH2 पर सड़क हादसे में ग्राम प्रधान की मौत। हादसे में 2 गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। बिजनौर पुलिस ने छापेमारी के दौरान बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश किया है। 2 आरोपी के पास से कई बाइक बरामद। शाहजहांपुर पुलिस ने क्रिकेट के 4 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सट्टेबाजों के पास से 72,000 कैश, 22 मोबाइल और लैपटॉप बरामद। हमीरपुर में पुलिस बिजनौर में व्यापारियों ने 9 सूत्र मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। सैकड़ों की संख्या में व्यापारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर DM को ज्ञापन सौंपा। हापुड़ में चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक चोर गैंग का खुलासा किया। पकड़े गए 2 आरोपी 11वीं के छात्र हैं। महंगे शौक पूरा करने के लिए वो बाइक की चोरी करते थे। 6 बाइक भी बरामद की गई। गाजीपुर में अवैध निजी अस्पताल और पैथोलॉजी सेंटर के खिलाफ कार्रवाई। छापेमारी के दौरान
अवैध नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर गिरफ्तार। उड़ीहार में मार्कंडेय महादेव अस्पताल भी सील। 3 महीने से पेंशन नहीं मिलने से आक्रोशित चंपावत नगर पालिका के पूर्व कर्मचारी पालिका के मेन गेट पर ताला लटका दिया। पूर्व कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की, आश्वासन के बाद ताला खोला। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से युवराज सिंह ने संन्यास ले लिया है। सोमवार को अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किया। विदेशी T20 लीग में खेलने का दिया है संकेत। सोमवार को वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज के बीच मुकाबला रद्द हो गया। 8वें ओवर में बारिश शुरू हो गई। बारिश के ना रुकने पर मैच को रद्द करना पड़ा और टीमों को एक एक अंक दे दिया गया। वर्ल्ड कप में अब तक दक्षिण अफ्रीका अपने 4 में से 3 मैच हार चुका है, उसके सिर्फ एक ही अंक है। इससे पहले श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच का मुकाबला रद्द किया गया था। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में आज श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच होगी भिड़ंत। श्रीलंका के अब तक 3 मैच से 3 अंक और बांग्लादेश के 3 मैच से 2 अंक है। पाकिस्तानी हैकर्स ने की अमिताभ बच्चन के ट्विटर अकाउंट से नापाक हरकत। हैक करके इमरान खान की लगाई तस्वीर। थोड़ी देर बाद बिग बी का अकाउंट रिकवर कर लिया गया।